Spider-Man's name is Peter Parker. आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर की रियल आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि वही स्पाइडरमैन है जिसने ही मिस्टीरियो को मारा है। और सभी लोग स्पाइडरमैन को एक क्रिमिनल की तरह देखने लगते हैं क्योंकि सभी लोग उसे मिस्टीरियो की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग पीटर पार्कर के घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं और उसके घर पर पत्थर फेंकते हैं जिसके कारण उसे अपना घर छोड़कर हैप्पी के घर जाना पड़ता है। स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबको पता चलने के बाद MIT यूनिवर्सिटी में पीटर को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि MJ और नेट पीटर पार्कर के दोस्त हैं तो उन्हें भी MIT में एडमिशन नहीं दिया जाता है जिसके कारण पीटर दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसको दोस्तों को भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है। अपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने मैजिक से सभी लोगों के दिमाग से इस मेमोरी को इरेज कर दीजिए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन वांग जो कि अभी सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम है उस मैजिक को कास्ट करने से मना करता है क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि पीटर पहले से बहुत कुछ झेल चुका है और बहुत परेशान है, इसने दुनिया बचाने में मदद की है तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अब एक पुराने खंडर में डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ते हैं ताकि सभी लोग जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो सब भूल जाएं पीटर पार्कर के बारे में कि यही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर नहीं चाहता कि सभी लोग भूल जाएं, जैसे कि उसकी आंट मे, हैप्पी, उसके दोस्त MJ और नेड, मतलब वो लोग जो उसे पहले से जानते थे। पीटर की यह बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को दो बार मंत्र को चेंज करना पड़ता है जिससे मंत्र में गड़बड़ हो जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगा के उस मंत्र को इस बॉक्स में लॉक कर देते हैं। मंत्र में छेड़खानी करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को सेंटोरम के बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पीटर पार्कर MIT के प्रोफेसर को, नेड और MJ को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए मनाता है। तभी उसे कुछ डेंजर्स का सेंस होता है और वहाँ पर डॉक्टर ऑक आ जाता है और वो पीटर पर अटैक करने लगता है। लेकिन पीटर पार्कर अपनी नैनो टेक्नोलॉजी सूट की मदद से डॉक्टर ऑक के मैकेनिकल आर्म्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि मंत्र में खराबी हो जाने की वजह से जो लोग जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो सभी दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ गए और वो सब तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि उन सभी लोगों को यहाँ पर ले आओ ताकि उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में भेजा सके। डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की हेल्प से पीटर पार्कर, डॉक्टर ऑक, इलेक्ट्रो, लेजार्ड, सैंडमैन और ग्रीन गॉब्लिन इन सभी दूसरे यूनिवर्स से आए विलन्स को एक एक करके जादुई सेल में बंद कर देता है। जब सभी विलन्स जादुई सेल में बंद हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सब उस वक्त अपने अपने यूनिवर्स में कुछ ही देर में स्पाइडरमैन से मारे जाने वाले हैं। लेकिन मरने के कुछ ही सेकंड से पहले ये सभी डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की वजह से इस यूनिवर्स में आ गए। ये सब जानने के बाद कोई भी विलन अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में जाकर मरना नहीं चाहता और पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से मना करता है कि वो मंत्र को आज़ाद ना करे जो पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बॉक्स में बंद किया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बात नहीं मानते हैं और वो उस मैजिक को फिर से कंटिन्यू करने लगते हैं ताकि वो सभी वापस उनके यूनिवर्स में चले जाएं। तभी पीटर उस बॉक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन कर भागने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से पीटर को मिरर डायमेंशन में ले आते हैं लेकिन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं के मैजिक में बांध कर उनकी पोर्टल वाली अंगूठी और उस मैजिक बॉक्स को लेकर मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाता है। होटल से बाहर आते ही नेट डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग रख लेता है और पीटर मैजिक बॉक्स को MJ को दे देता है। मिरर डायमेंशन से बाहर आने के बाद पीटर डिसाइड करता है कि जो चीज़ इन सभी को बुरा बनाती है वो इन सभी को फिक्स करेगा और सभी को अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक करेगा ताकि कोई भी वापस अपने यूनिवर्स में जाकर स्पाइडरमैन से ना मरे। लेकिन पीटर की इस बात को कोई भी विलन नहीं मानता तो इस पर पीटर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो डॉक्टर स्ट्रेंज वैसे भी तुम्हें वापस भेज देगा और वहाँ पर तुम सब मारे जाओगे। यह बात सुनकर उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता और वो पीटर की बात मान लेते हैं। पीटर इन सभी को हैप्पी के घर ले आता है जहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्रीज का फैब्रिकेटर होता है। फैब्रिकेटर वो मशीन है जिसकी मदद से पावरफुल आइटम्स, यूनिफॉर्म्स एंड वेपनरी बनाई जा सकती है। और हाँ, इसी की मदद से पीटर ने फार फ्रॉम होम मूवी में अपनी लिए नया स्पाइडरमैन सूट बनाया था।
पीटर सबसे पहले डिसाइड करता है कि फैब्रिकेटर मशीन की मदद से सबसे पहले वह डॉक्टर ऑक को फिक्स करेगा और वो फैब्रिकेटर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर लगा होता है जो पूरे फैब्रिकेटर को पावर करता है। इलेक्ट्रो इस आर्क रिएक्टर की एनर्जी को महसूस करता है क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है, जिसके कारण वो इस एनर्जी से अट्रैक्ट होने लगता है। पीटर डॉक्टर ऑक के मैकेनिकल आर्म्स को एनालिसिस करता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर ऑक के गर्दन पर जो चिप लगी है उसी के मदद से वो अपने टेंटिकल्स यानी मैकेनिकल आर्म्स के एआई को कंट्रोल करता है, लेकिन इस चिप के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वो अब उस एआई को कंट्रोल नहीं कर पाता और इस कारण वो एआई डॉक्टर ऑक पर हावी हो जाती है और डॉक्टर ऑक को ही कंट्रोल करने लगती है। लेकिन पीटर फैब्रिकेटर की मदद से एक नई चिप बना लेता है और डॉक्टर ऑक के गर्दन पर लगा देता है। अब इस नए चिप की मदद से डॉक्टर ऑक फिर से उस एआई को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इस तरह पीटर डॉक्टर ऑक को ठीक कर देता है। और अब बारी आती है मैक्स यानी इलेक्ट्रो की। पीटर मैक्स की चेस्ट पर एक इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्बिंग डिवाइस लगा देता है उसकी बॉडी से सारी इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद पीटर डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न को ठीक करने के लिए एंटीडोट बनाता है ताकि वो ऑसबॉर्न को ग्रीन गॉब्लिन से आज़ाद कर सके, लेकिन उसी दौरान ऑसबॉर्न पर ग्रीन गॉब्लिन हावी हो जाता है, जिससे पीटर सेंस कर लेता है और ग्रीन गॉब्लिन को रोकने की कोशिश करता है। सिचुएशन को बिगड़ता देखकर पीटर की आंट ग्रीन गॉब्लिन को ठीक करने वाला एंटीडोट लेकर भागने लगती है तो ग्रीन गॉब्लिन पीटर पर अटैक कर देता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इलेक्ट्रो फैब्रिकेटर मशीन से आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है और डॉक्टर ऑक पर अटैक कर वहां से भाग जाता है। लिजार्ड और सैंडमैन भी वहां पर ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन पीटर पर अटैक कर देता है और इन दोनों के फाइट होने लगती है। तभी पीटर की आंट ग्रीन गॉब्लिन की गर्दन पर एंटीडोट इंजेक्ट कर देती है ताकि वो ठीक हो जाए, पर वो एंटीडोट उस पर कोई असर नहीं करता। इनकी फाइट की वजह से वहां पर पुलिस आ जाती है। यह सब देखकर ग्रीन गॉब्लिन अपने हवरबोर्ड में से ग्रेनेड निकालकर वहां पर फेंक कर भाग जाता है, लेकिन ग्रेनेड ब्लास्ट में पीटर की आंट की मौत हो जाती है। पुलिस जगह को चारों तरफ से घेर लेती है और पीटर को सरेंडर करने को बोलती है, लेकिन पीटर वहां से भाग जाता है। पीटर अपनी आंट को खो देने के कारण पूरी तरह से टूट जाता है और उसके दोस्त पीटर के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं। नेड बोलता है कि काश हम पीटर को देख पाते, और ऐसा कहते ही अनजाने में नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग की मदद से वहां पर एक पोर्टल खोल देता है और उसके साथ ही हमें पता चलता है कि नेड भी मैजिक कर सकता है। उस पोर्टल से नेड पीटर को ढूंढ लेता है, पर वो उनका पीटर नहीं होता, वो तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला पीटर होता है। तो उसके साथ हमें पता चलता है कि दूसरे यूनिवर्स से केवल विलियंस ही नहीं बल्कि उस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन यानी और भी पीटर पार्कर आ गए हैं, जिस पर नेड और एमजे भी चौंक जाते हैं। अब नेड फिर से पीटर को रिंग से ढूंढने की कोशिश करता है और इस बार भी दूसरी दुनिया का नया पीटर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हमें इस यूनिवर्स में दो और नए स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं, लेकिन अब भी ये लोग नहीं जानते कि इनका पीटर कहाँ है। तो इस बात पर दोनों स्पाइडरमैन यानी दूसरी दुनिया के स्पाइडरमैन बोलते हैं कि दुखी होने पर वो अपनी फेवरेट वाली जगह पर चले जाते हैं और ये सभी पीटर को उनके स्कूल के टेरेस पर ढूंढ लेते हैं, जहां पर पीटर अपनी आंट मे के चले जाने से रोने लगता है। उसे देखकर नेड और एमजे भी पीटर को हक करते हैं और इमोशनली सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर दूसरी दुनिया से आए दोनों पीटर से मिलता है और डिसाइड करता है कि बचे हुए विलन्स को ठीक करके वापस उनके यूनिवर्स में भेज देगा। इसके साथ ही तीनों पीटर अपने स्कूल की लैब में लिजार्ड, सैंडमैन, इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन को फिक्स करने का डिवाइस तैयार कर लेते हैं और द डेली बुगल न्यूज़ की हेल्प से सभी को मैजिक बॉक्स का लालच देकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर बुला लेता है, जहां पर इलेक्ट्रो सबसे पहले आ जाता है और मैजिक बॉक्स मांगता है ताकि वो उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दे और वापस अपने यूनिवर्स में जाकर स्पाइडरमैन से ना मरे। इलेक्ट्रो तीनों स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगता है। इसी बीच लिजार्ड, सैंडमैन और डॉक्टर ऑक भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन तीनों स्पाइडरमैन एक टीम बनकर डॉक्टर ऑक के साथ इलेक्ट्रो के सूट से आर्क रिएक्टर निकाल कर वो डिवाइस लगा देते हैं, जिससे वो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। स्पाइडरमैन सैंडमैन को स्टैचू के अंदर ले जाता है और एक कोलाइडर डिवाइस की मदद से सैंडमैन को वापस से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बदल देता है। लिजार्ड, नेड और एमजे के पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए नेड पोर्टल खोलता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। एमजे लिजार्ड से बचते हुए उसका एंटीडोट ले लेती है और पीटर उसकी मदद से लिजार्ड को भी ठीक कर देता है।
डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि तीनों स्पाइडरमैन ने मिलकर विलन्स को फिक्स कर दिया है और अब कुछ देर बाद ग्रीन गॉब्लिन भी यहाँ पर आ जाता है। पीटर गुस्से में उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने उसकी आंट मे को मारा है, लेकिन दूसरा पीटर बीच में आकर उसे बचा लेता है और ग्रीन गॉब्लिन को एंटीडोट इंजेक्ट करके उसको भी फिक्स कर देता है। बाद में नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसकी गलती का एहसास होता है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज इन सभी को वापस उनके यूनिवर्स में भेजने की तैयारी करने लगता है, लेकिन दूसरे यूनिवर्स से और भी लोग यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरे यूनिवर्स से और भी लोगों को आता देख पीटर सिचुएशन को और भी बिगड़ने नहीं देना चाहता और पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि अगर मंथ को फिर से पढ़ा जाए तो क्या ये सब ठीक हो जाएगा। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज हाँ कहते हैं, पर पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाएगी, जिस पर पीटर हाँ कह देता है और अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलने पहुंच जाता है, क्योंकि मंथ के पूरा होते ही सब लोग पीटर को भूल जाएंगे और सभी लोग वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर पीटर एमजे और नेट से मिलने कैफे में जाता है, पर दोनों पीटर को भूल चुके हैं तो कोई उसे नहीं पहचानता। एमजे और नेट को एमआईटी में एडमिशन मिल जाने से पीटर उनके लिए अच्छा फील होता है। पीटर वहां से कॉफ़ी लेकर अपनी आंटी मे के ग्रेव पर पहुंच जाता है, जहां पर हैप्पी भी आ जाता है, लेकिन हैप्पी पीटर को नहीं जानता और पीटर से पूछता है कि तुम मे को कैसे जानते हो, तो इस पर पीटर जवाब देता है कि स्पाइडरमैन के जरिए। बाद में पीटर अलग रहने लगता है और अपने लिए एक नया स्पाइडरमैन सूट सिलकर फिर से स्पाइडरमैन बन जाता है। अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन में वेनम को दिखाया जाता है जो एक बार में है, जहां पर बार ओनर उसे एवेंजर्स और थैनोस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। वेनम वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है, पर एडी ब्रॉक वहां पर वेनम का थोड़ा सा सिम्बाइट छोड़ जाता है और इसी के साथ मूवी यहां पर ख़त्म हो जाती है।